और सतनाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लाए लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। लाए लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं हीरे मोती हो सतनाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लाए लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली। जिन मोती लूटे भैया वो तो मालव माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जिन जिन मोती लूटे भैया वो तो मालव माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दोस्तों मेरा नाम है वीर सिंह। मैं परिवार में सिर्फ तीन लोग हैं, मैं और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है नटवर और एक मेरी बच्ची है जिसका नाम है माला। आज काफी समय हो चुका है लेकिन मेरा बेटा नटवर मेरे वास्ते खाना लेकर के नहीं आया है। चलो तब तक मैं उसका इंतजार करता हूँ। पिताजी कहो बेटा नटवर। अरे पिताजी के चरण में अरे लाल झुकाए शीश। अरे पिताजी के चरण में यही दो दुआ मुझे अर खुश रखे जगदी। अरे मेरे लाल नटवर, अरे संसार में तेरे सवा मेरा कौन है? इस संसार में तो सिर्फ तू ही मेरा अकेला बेटा है। सच कहते हो? और इस संसार में मेरा कोई नहीं है लेकिन मेरे लाल। और जुग जुग बे तातम जियो और सदा रहो महसूस। जुग जुग बे लेकिन पिताजी। जी हाँ। मुझे बहुत आजमा की याद आ रही है पिताजी। मेरे लाल, मेरे बेटा, कहो पिताजी। तुम अपनी माँ की याद मुझे मत दिलाया करो मेरे लाल।
मेरे लाल। और याद माँ की न बेटा दिलाया करो आंखों से आंसू न बहाया करो अपने आंखों मेरे लाल बेटा जब तू अपने माँ की याद दिला देता है अरे तो मेरा दिल दहल जाता है कि आज के दिन अगर तेरी माँ होती तो न जाने कितने घर के अंदर बाहर आ जाती मेरे लाल। लेकिन पिताजी जी हाँ मेरे लाल आपने काम करते करते बहुत थक गए होंगे। जी हाँ पिताजी आपके लिए हम खाना लाए हैं खाना खा लीजिए। लाओ मेरे लाल। ठीक है मेरे लाल तब तक हम खाना खा रहे हैं तब तक तुम बिठियाओ माला को बैठ करके खिलाओ। बैठ करके रोटियां खा रहा शायद अपनी औकात को भूल गया जर अब तक भूल गया जाहिल कहीं के अंगूठा निशानी देने से किया रे क्यों इनकार साथ तू अरे अपनी सुनो अरे भूल गया यो यार भूल गया यो का अंगूठा निशानी देने से इनकार कर दिया। नहीं मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक क्या कहना चाहता है रे और तबीयत गड़े बड़ हो और आया तेज सका ना आपको मेरे मालिक आए देख सका ना आपको और क्षमा करो कह रहा तबीयत गड़बड़ है मेरी हाँ अरे अच्छी लगी तेरी दुकान अरे अच्छी लगी तेरी दुकान शायद भूल गया जाओ और कर दिया इनकार है अरे सब माला तू जा तू सीधे और अच्छी लगी तेरी दुकान अच्छी लगी तेरी दुकान शायद भूल गया चाहे जी हाँ
अंगूठा लगाने से क्यों इनकार किया है रे? सराफत से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आ? तेरी ये औकात क्या बुरा हो जाएगा रे? सराफत से बात करो तो सराफत से बात करो और सब मुझको स्वीकार सराफत से जिससे मैं पैसा आया हूँ मासूम पे। अरे भैया ढावो नहीं बोलो क्या आज इसने कर दी खता। क्या कहा मेरे छोटे भाई? मैं क्या गजब कर रहा हूँ शायद तुझे नहीं मालूम है भाई साहब। तो जब सभी को आर बालों ने लिख दी जब सभी को कार है इसलिए बेमौत मारू जिसे इसमें तेरा क्या अब अधिकार है। और जमी की कमी है नहीं सैकड़ों बिगा भैया है परती पड़ी मानो मेरा कहा और इसे छोड़ दो जोड़ता हाथ भैया तो छोटा होकर क्या पुस्तक लड़ाता जुबा छोटा हो तो नहीं भैया आप उससे लाता जुबा शायद तुझको नहीं मालूम मैं कौन हूँ भाग जा तू इसी में है भलाई तेरी मर्दा में भूल जाऊं गत्तू कौन नहीं भैया निकल जाओ यहाँ से तो अच्छा रहेगा। सिंह कभी नहीं देख सकता क्या किसान कभी नहीं देख सकता है तो तेरी आंखों के सामने मैं इसका बिहारी लाल लगा लो इसका अंगूठा। अब ये भोल करके गांव वाले जो देख रहे हैं ये कभी अंगूठा लगाने से इनकार नहीं करेंगे। बड़ा पैगाम चलते हैं अब यहां से निकल जाएंगे क्योंकि है माली तो निकल गए ना कोई देख लेगा है तो हमारी भैया सोच देगा चलना चाहिए। एक एक किसान का खून इसका मतलब कातिल ही आसपास कहीं होगा। ए, 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 तूने खून कर दिया भैया हमने खून नहीं किया भैया हमने इसको देखा हमने भैंसी चला देते यार। ये क्या इसके अंगूठे में स्याही का निशान? हाँ भैया इसका मतलब इसका अंगूठा और निशान ही लिया गया है। इसका मतलब इसका खून ठाकुर भूपिंदर सिंह ने किया है। जी भैया अब मुझे पता चला अभी तक हमारी जमीनें ली जाती थी अब हम किसानों की जान लेने लगे हैं। अब हम इस लाश को दफनाएंगे नहीं लेकर चलेंगे ठाकुर अरविंद सिंह के पास जो ठाकुर भूपिंदर सिंह का छोटे भाई है
न्याय शरीफ सीधे हम इंसाफ मांगेंगे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। उठाओ लाश को, चलो। क्या बात है, आज स्वामी बड़े उदास बैठे हैं। अरे स्वामी क्यों बैठे हुए, अरे तुम इतना गमगी। आप पूछते हैं तो जरूर बताऊंगा किस लिए गमगीन बैठा हूं। क्या बात है? अरे बतलाऊंगा सब प्रिय, क्यों इतना गमगीन। ऐसा सीन देखा है इसलिए मेरी कांप उठी है आत्मा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। अरे स्वामी मुझे अरे बात सच सच बताओ, तो स्वामी मुझे सच बताओ। ओ क्या देख आए मुझे सब सुनाओ। बड़े दर्द गंदे और तुम्हें देखती हूँ, बड़े दर्द गम सिंह। क्या देखा है सबसे साथ? आप पूछती हैं तो जरूर बताऊंगा। हाँ मैं जानना चाहती हूँ। और प्रिय देख वो हादसा जिस्म का पा। क्या कह रहे हैं आप? भगवान प्रिय देख वो
जानना चाहती हूँ। फिर ये देख कर हाथ साजिश का पा और वहाँ वीर को जान से मार डाला। हाय भगवान, क्या कह रहे हैं आप। तो वो खुद किया काम भाई ने मेरे, प्रिय कल्पना सिंह, और वो खुद किए आई काम भाई ने मेरे, इसी से फिक्र में क्योंकि आज वीर दादा का खून कर दिया गया। क्या वीर दादा का खून हो गया? हाँ, तुम्हारे भाई साहब ने कर दिया खून? जी हाँ कल्पना। स्वामी मुझे तो ऐसी बातों से बहुत डर लगता है। क्या? लेकिन कल्पना सिंह मैं वादा करता हूँ ये अन्याय अपने भाई भूपेंद्र सिंह का कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि गरीबों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। तुम नहीं जानते ठाकुर साहब, एक ऐसा तोहफा लेकर आया हो जिसको उजागर किया है तुम्हारे भाई भूपेंद्र सिंह ने। क्या भूपेंद्र सिंह ने? तोहफा एक किसान की जान ठाकुर साहब आपके कदमों में। अभी तक हम किसानों की जमीनें ली जा रही थी, अब हम किसानों की जाने लेने लगे। अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम ले जाकर पुलिस केस कर देंगे ठाकुर साहब। नहीं भाई साहब, मैं अपने भाई भूपेंद्र सिंह के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई भूपेंद्र ने ये काम किया है। मैं आज से वादा करता हूं कि गरीबों के ऊपर अन्याय नहीं हो सकता है। अपना सर कटा देंगे लेकिन सर को झुका नहीं सकते। कैसे विचार है आपके? आपके विचार सुनकर मैं धन्य हो गया। लेकिन ठाकुर साहब, आज तुमने वादा किया है तो कल हमें इंसाफ भी चाहिए। अगर और किसी किसान की जमीन या किसी किसान की जान गई तो हम वीर सिंह की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। ठीक है भैया, मैं वादा करता हूँ आज से अन्याय नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं आपके कहने के मुताबिक वीर सिंह का अंतिम दह संस्कार कर दूंगा और पुलिस केस नहीं करूंगा। लेकिन बोलिएगा, मुझे कल तक इंसाफ चाहिए, या कि हमारी जमीनें वापस चाहिए या कि हम बहिष्कार कर देंगे। मैं वादा करता हूँ आपकी जमीनें वापस जरूर होगी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। लाश को उठाओ। देखा प्रिय कल्पना सिंह? हाँ स्वामी, मैंने देखा। मेरे भाई भूपेंद्र ने ये किसानों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। लेकिन स्वामी, क्या ऐसा करना चाहिए मेरे भाई को? आपने वादा तो कर लिया, लेकिन तुम नहीं जानते कितने खतरनाक तुम्हारे भाई साहब हैं, वहाँ मत जाइए। लेकिन कल्पना, मैं आज वादा कर रहा हूँ कि किसानों की वापस जमीन अवश्य दिलाएंगे और भाई भूपेंद्र सिंह से आधी रियासत का बंटवारा लेकर। हे भगवान, मेरे स्वामी उनके वहाँ गए, वो कितने खतरनाक है। भगवान उनकी रक्षा करना। भगवान, है दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, मेरी बिनत सुनाता जानू, मेरी बिनत सुनाता जानू, मानू कि तुम्हें मैं राम, राम नहीं सारे जग में तुझे मैं कर दूंगी बदनाम, आज मुझे तुझ